सेंट थॉमस चर्च के गेट के पास मलबा डालने को लेकर शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को सुलझाया। दिल्ली रोड जाट कॉलेज के पीछे बने चर्च में एक पक्ष ने कुछ समय पहले मटका चौक की तरफ गेट पर A2 का मलबा डलवा दिया था। इस पर चर्च प्रबंधन ने एतराज उठाया। उन्होंने गुरुवार को इसकी शिकायत अर्बन स्टेट पुलिस थाने में दी तो थाना प्रभारी सदानंद अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद गेट पर पड़े मलबे को हटवाने के निर्देश दिए। दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए और मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। विवाद ये है कि इसका मालिकाना हक है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ दिल्ली का। इन लोग को सिर्फ प्रार्थना की परमिशन दे रखी है, पूजा पाठ की। ये धीरे धीरे इस पर कब्जा कर रहे हैं। अब ये प्रार्थना स्थल का मेन गेट बंद करना डेलिबरेटली, ये तो कोई जायज बात नहीं है। मलकियत को लेकर तो आप लोगों का जो है मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है, चल रहा है, वो चल ही रहा है कोर्ट में, पर लेकिन फिलहाल जो ताजा मामला जो है वो गेट बंद करने को, मेन गेट बंद करने का। लेकिन इनका ये जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है कि जो निर्माण जो चल रहा था, फर्श बनवाया जा रहा था, उसके चलते जो है गेट बंद किया गया, लेकिन दूसरा गेट खोल दिया गया था। पर सर गेट बंद करने की तो अगर जगह ना हो तो जायज है। जगह दोनों तरफ खाली पड़ी है तो गेट क्यों बंद करेंगे यार? इस बात की तो कोई बात हुई नहीं थी कि गेट बंद करेंगे। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं मगर कब्जा करने की कोशिश तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये हैंडओवर ही हमारे को करी गई थी प्रॉपर्टी 1949 में। उसके बाद से हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। यहाँ पे सड़क खराब हो रही थी, इंटरलॉकिंग टाइल्स हमने लगवाई हैं, तो उस दौरान जो ईंटें निकली हैं वो क्योंकि इसने हमारे कोने में नहीं डालने दी, तो जो हमारे पास जगह अवेलेबल थी हमने वहाँ पे डाल दी। और मैं शुक्रगुजार हूँ इंस्पेक्टर साहब का कि जिन्होंने जो भी फैसला कराया है तो बिल्कुल ठीक कराया है। रास्ता तो खुलेगा ही, और वैसे भी यहाँ पे हमेशा एक ही गेट खुला रहा है। वो गेट अगर किसी वजह से बंद हुआ है तो ये गेट हमने खोला है। यहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो, पार्किंग पहले बनाई फिर गेट वो बंद किया। हमारे पास कंट्रोल रूम से फ़ोन आया, भी चर्च में कुछ झगड़ा है, तनाव सा है, वहाँ पूछो। तो हम यहाँ आगे देखा तो यहाँ गेट के पास ईंटें डाले की मलबा डाला हुआ है, ये साथ में इंटरलॉकिंग लगाई है, तो वो वहाँ से पुरानी ईंटें पाड़ के उन्होंने डाल रखी थी। तो इन दोनों ग्रुपों बुलाए, ये दोनों ग्रुप है, एक उधर से है वो पादरी बताते हैं आगे भी, मैं भी यहाँ आऊँ, वो भी अपना आपको मेंबर बता रहे हैं, ये भी हैं। इन दोनों को बिठा के इनको दूर किया कि भाई आधा उधर कर देते हैं आधा इधर करते हैं, गेट को खोल देते हैं। दोनों मान गए, बोला जी ठीक है जी, और इनका कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट के आदेश होंगे वो मान्य होंगे इनको दोनों को। अर्बन स्टेट थाना के प्रभारी सदानंद ने बताया कि चर्च के एक गेट पर मलबा डालने को लेकर शिकायत आई थी और मेरे पास फोन आया तो टीम के साथ पहुंचा, तब दोनों पक्षों को बिठाकर बातचीत कर मामले को हल करवाया गया। अब गेट से मलबा हटा लिया गया है, माहौल शांतिपूर्ण हो गया है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हिसार से न्यूज के लिए विनोद सैनी की रिपोर्ट।